हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं हम आपका आपके चैनल आरबीटी लव व्लॉग्स में। तो देखिए जी, आज की वीडियो मैं शुरू करने जा रही हूँ शाम से, और शाम से भी लगा लीजिए कि अभी 5 बजे हैं और अभी लाइट आई है। सुबह से लाइट गई हुई थी, सुबह से नहीं मतलब कि दोपहर से गई हुई थी, अभी लाइट आई है। तो मैंने आज क्या किया, आज मैंने की घर की सेटिंग्स चेंज, क्योंकि मैं थोड़े दिनों बाद पता नहीं क्यों मेरे सिर पर भूत सवार हो जाता है कि सेटिंग्स चेंज करूं घर की। तो फिर मैंने सोचा आज कर लेती हूं। आज मैं मॉर्निंग से सेटिंग्स चेंज करने में लगी हुई थी और घर की काफी सफाई भी की, क्योंकि कभी कभी टाइम मिलता है सफाई का। और बाकी तो रोज रोज तो वो बस नॉर्मल सी सफाई होती है, डीप क्लीनिंग का इतना टाइम नहीं मिलता। तो आज मैं सुबह से लगी पड़ी थी, और कल है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो उस वजह से मैंने आज घर को थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह से साफ कर लिया, तक क्योंकि फिर मुझे कल जो है सुबह मॉर्निंग में जल्दी जल्दी बस जो है झाड़ू पोछा कर लूंगी, डस्टिंग वगैरह की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। और कपड़े वगैरह भी मैंने आज ही धो लिए, बस उनको अभी तय कर जो है अलमारी मैं बोलने जा रही थी कि फ्रिज में लगा लूंगी उनको बस तय करके अलमारी में लगाकर बस रखना है, छत से मैं ले आई थी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और साथ में आपके साथ शेयर करते हैं। आज मैं एक और जो है वॉल आर्ट करने, वॉल आर्ट समझ लीजिए या होम डेकोर पीस कुछ कर लिए सोच लीजिए या कह लीजिए कि करने जा रही हूं। तो आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हो कि ये साइड की वॉल है, तो मैंने यहाँ पर जो है एक वॉल स्टिकर लगा रखा है। तो आज मैंने यहाँ से टाइसन का जो बिस्तर है उठा दिया, टाइसन का बेड जो है उठा दिया, क्योंकि ये हमारे साथ ही बेड पे सोता है तो इसको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और कमरा फिर काफी एडजस्टेड कंजस्टेड सा हो जाता है। तो इस वजह से अभी काफी जो रूम है खुला खुला लग रहा है। और मुझे करना है आज, मुझे यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था कि बेड हेड है, जिस तरफ देखिए मैंने पानी की बॉटल रख रखी है, ये मेरा बेड हेड है। इसके ऊपर बिल्कुल प्लेन है दीवार, अच्छी नहीं लग रही। तो आज मुझे ये दीवार जो है अच्छी तरह से डेकोरेट करनी है, और ज्यादा डेकोरेट मुझे कुछ इतनी ज्यादा भी नहीं मैंने करनी है, बस नॉर्मल सी सिंपल सी चीजों से करूंगी। तो मैंने इसके यहाँ पर ऊपर लाइट लगी हुई है, तो मुझे वॉल स्टिकर ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वॉल स्टिकर पहले से लगा हुआ है, अगर मैं लगाऊंगी तो फिर कुछ थोड़ा सा ना अजीबोगरीब सा लगेगा, क्योंकि सेम सा दोनों तरफ हो जाएगा और एक दीवार पर ही अच्छा लगता है। अगर मैं इस पर भी लगा दूंगी तो दोनों पर फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। सो अब मैं क्या करूंगी कि अब टाइसन सो रहा है, तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास रोप है जो रस्सी होती है ना उसकी, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, अभी मेरे मुंह में नाम आ रहा है लेकिन मैं बता नहीं पा रही, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो रस्सी से मैं यहाँ पर ऐसे सीधी सीधी रस्सियां लगाऊंगी, और मुझे लकड़ी की चुमटियां चाहिए थी लेकिन मुझे कहीं पर नहीं मिली। मार्केट में मैंने सारी जगह पता किया लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिल पा रही थी। तो अभी मैंने मेरे पास जो स्टील की स्टील होती है ना, स्टेनलेस स्टील, वो पड़ी थी चुमटियां, तो मैंने उनको रूम के कलर के हिसाब से उनको कलर कर दिया था मॉर्निंग में। अभी सूख गई होंगी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने उनको पर्पल कलर किया था, अभी तक वो सूख गई होंगी। तो मैंने क्या करना है, रोप के साथ वो चिमटियों को बांधना है और ऐसे हैंग करना है, फिर उसके उस चिमटियों पर मैं पिक्स लगाऊंगी अपनी या टाइसन की, किसी की भी, वो पिक्स मेरे पास पड़ी हुई है, बनवाई थी हमने। तो देखते हैं जी कैसा लगता है। तो चलिए फिर वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं, और साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिया करिए, और कमेंट भी जरूर कीजिए कीजिए। और अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं वीडियो को, आप वो भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब तो आप मतलब ना पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ पर ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए जी, आप मुझे बताना कि आपको ये वाला आइडिया मेरा कैसा लगा, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा तामझाम करना नहीं चाहती, वो ही चीजें करनी चाहती हूँ जो बहुत ही सिंपली हो और बहुत इजी हो, सब कर सकें। क्योंकि जो वो सिंपल रोप होती है जिसको हम रस्सी भी बोलते हैं ना, उसकी जूत की रस्सी, हाँ जूत होता है ना जो, वो वाली रस्सियां वो आसानी से मिल जाती है कहीं पर भी, और सबसे मेन चीज कि वो इतनी कॉस्टली भी नहीं होती, सबके बजट के अंदर होती है। तो सब वो जो है वो वाली DIY कह लीजिए कर सकते हैं।
और चिमटियां आप कोई भी नॉर्मल सी लेकर उनको पेंट कर सकते हैं। को सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है लकड़ी वाली। मुझे छोटे साइज की चाहिए थी लेकिन मिल नहीं पा रही थी, ऑनलाइन बहुत ज्यादा कॉस्टली थी तो मैंने ली नहीं। तो चलिए जी, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो अब करते हैं वीडियो का स्टार्टिंग। पहले मैं आपको अच्छे से वॉल दिखा दूं, फिर मैं आपको बाद में बनने के बाद दिखाती हूँ कि बाद में कैसी लग रही है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अब। देखिए जी, आप देख सकते हैं ये है मेरा बेड हेड, यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट तय लगाए थे और टाइसन ने भी घेर दिया। कोई नहीं, मैं इनको बाद में सेट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने वो सेटी ला कर रख दी, अभी मैंने खाना खाया था तो अभी टावल रखा हुआ है क्योंकि मैं टावल बिछा कर खाना खाती हूँ। और चादर तो जितनी बार मर्जी बिछा लो, ये साहब जो है इकट्ठी कर देते हैं। इसकी टॉयज और इसका पानी वो रखा हुआ है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये वाली वॉल जो है बिल्कुल खाली है। इस वाली वॉल पे मैंने स्टिकर लगा रखे हैं, लेकिन ये बेड के साइड में, पहले बेड था इस तरफ था तो इसके ऊपर वो मैंने लगा रखी थी अपनी पिक्स वगैरह। तो इस साइड अभी दोनों तरफ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ DIY। तो आपने अब देख ली अब कैसी है दीवार, तो आपको मैं बाद में दिखाती हूँ कि बाद तो में कैसी। देखिए जी, मुझे DIY करने के लिए कुछ ज्यादा सामान तो नहीं चाहिए, बस ये थोड़ा सा चाहिए। ये है रस्सी, जो जिसको हम पंजाबी में सेबे भी बोलते हैं और आप जूत की रोप भी बोल सकते हैं। ये मैंने जो है स्टील की जो थी चिमटियां, इनको मैंने पेंट कर लिया है अपने रूम की थीम के अकॉर्डिंग। और ये है मेरे पास पिक्स, ये काफी सारी हैं। ये टाइसन की सबसे ऊपर पड़ी है और ये है सीजर, ये तो रोप काटने के लिए चाहिए होगी। तो अब मैं इस रोप को वो जो लाइट लगी हुई है उसके साथ ऐसे नीचे को लगाऊंगी और उस पर जो है पिक्स टांगूंगी। तो आप देखते जाइए मैं क्या करती हूँ, और आपको अगर मेरा आइडिया पसंद आए तो आप भी कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए जी करते हैं। तो देखिए जी, आपको दिख रहे होंगे कि मैंने रोप्स जो हैं लगा दिए हैं सीधे सीधे, बस मैंने ट्यूब के साथ ही लगाए क्योंकि बिल्कुल बेड के मिड में आ रही है ट्यूब, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब मैं इसके साथ चिमटियां बांधूंगी और चिमटियां बांधने के बाद फिर मैं इसके ऊपर चिमटियों के साथ पिक्स लगा दूंगी। तो चलिए चिमटियां बांधते हैं। तो देखिए जी, मैंने सिंपल सी एक रोप के साथ ऐसे बांध कर चिमटियां लगाकर मैंने पिक्स ये टांग दी हैं। तो चिमटियां मैंने पर्पल कलर की लगाई थी क्योंकि हमारे कलर रूम में कलर भी थोड़ा सा पर्पल है। और अभी मैंने टाइसन की पिक्स लगाई हुई हैं, हमारी पिक यहाँ पर पड़ी हुई है, मैं बाद में लगाऊंगी। तो मैं आपको बस दिखाना चाहती थी कि कैसी ये जो है वॉल की एक आर्ट है, या लगा लीजिए आप कैसी लग रही है। तो सिंपल ही थिंग है, सिंपल सी चीज से हमने कितना अच्छा हमारा जो है बेड हेड की साइड पे थोड़ा सा आर्ट बना लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। तो चलिए लीजिए जी, आपसे बातें करते करते मैंने बना लिया ये वॉल आर्ट, एक टाइप का वॉल डेकोर बना लिया मैंने। बहुत ही सिंपल था वो, आपने भी देखा कि मैंने कैसे बनाया है। और काफी जो है अभी वॉल जो है भरी भरी लग रही है। और बिल्कुल एक अच्छी बात ये हो गई कि बिल्कुल जो ट्यूबलाइट थी वो बिल्कुल बेड के मिड में आ रही थी, तो इस वजह से काफी अच्छा बन गया। अभी मैंने टाइसन की सारी पिक्स लगाई हुई हैं। थोड़े टाइम में मैं अभी वीडियो बंद कर फिर चेंज कर दूंगी, अपनी लगाऊंगी। तो मेरा सच कुछ इतना, मतलब यहाँ पर लाइटिंग अच्छी आ रही है, तो मेरा इतना कुछ ये नहीं था कि बहुत ही मैं ज्यादा तामझाम कर कुछ भी वॉल डेकोर बनाऊं। तो मैंने सिंपल सा बनाया, जो चीजें मेरे पास अवेलेबल थी क्योंकि कलर था मेरे पास, तो मैंने चिमटियों को भी पेंट कर लिया था और रोप मैं लेके आई थी क्योंकि मैंने लॉबी में भी बाहर जो है वो लकड़ी लगाकर, तो बांस मैंने घर पर ही बनाए हैं, उनको मैंने टांगना है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम घर पर ही कैसे हैंगिंग जो शेल्फ होती है वो बना सकते हैं। तो चलिए जी, आप आई होप आपको ये आइडिया मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है
तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और फिर से बोल दूं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इतनी बार सब्सक्राइब बोलना पड़ता है कि आप लेकिन करते नहीं हो सब लोग, इतना बोलना पड़ता है कि हमारे मुंह से सब्सक्राइब निकलना ही बंद हो जाता है। तो चलिए जी, आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपको आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। कल मैं आपके साथ मैं भी अपना रूटीन शेयर करूंगी, क्योंकि कल मैंने बनानी है बहुत अच्छी अच्छी सी व्यंजन, शायद शेयर करूंगी, शायद टाइम नहीं लगे तो नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा मोटिव है कि अपना सारा टाइम जो है अपने हस्बैंड को दूं, उनका बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल करूं। तो ये भी एक गिफ्ट उनके लिए ही था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि कुछ यहाँ पर पेंटिंग वगैरह लगाई जाए, तो मैंने आज उनकी ये भी इच्छा पूरी कर दी। तो चलिए फिर, मैं कितनी बार चलिए चलिए करने के बाद अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, क्योंकि अपनी सुरक्षा ही बंदा करेगा तभी अच्छी लाइफ जिएगा और बचेगा, क्योंकि किसी पे डिपेंड मत होइए, किसी पर भरोसा मत करिए, आजकल अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। तो चलिए जी, बाय बाय।